विवादों का जो दौर है उसकी श्रृंखला बड़ा बहुत ज़्यादा लंबा होते चला जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी विवाद को जन्म दूँ। चूँकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों का जो दौर है उसकी श्रृंखला बड़ा बहुत ज़्यादा लंबा होते चला जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी विवाद को जन्म दूँ। पर हाँ, अपनी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये सिर्फ मुझसे व्यक्तिगत संबंधित बातें होती तो शायद मैं नहीं कहता, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री की बातें हैं। इंडस्ट्री की बातें इसलिए हैं कि पिछले दिनों अयोध्या नगरी में सरस सलील अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हमारे इंडस्ट्री के गुणी लोगों को पुरस्कृत किया गया। तो कल मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो आया जिसमें फिल्म दोस्ताना के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड शायद दिया गया था, और उसके अवार्ड भी थे जिसमें मेरा नाम भी था और वो सर्टिफिकेट्स भी था जो अमूमन सबको मिला है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस अवार्ड को या इस जानकारी को मैं मेरा सम्मान समझूं या मैं मेरे अंदर के अभिनेता का अपमान समझूं या फिर मैं उनका अपमान समझूं। ये करने में मुझे कहीं से कोई ये नहीं लगा कि मुझे इस बात की चर्चा मैं करूं दुनिया को। अगर शायद ये किसी और विधा में होता तो वो बहुत प्रोपेगेंडित हो जाता है। इसको हमने प्रोपेगेंडित नहीं किया, चूँकि मुझे लगा कि एक अभिनेता अगर हमें वो अवार्ड दे दिया जाता है जिसके हम हकदार नहीं है और बेवजह का मुझे दे दिया गया, तो लेकर के बड़ा अपमानित महसूस किया जाता है। मैं बहुत अपमानित महसूस करूँ अगर मुझे उस तरह का अवार्ड मिले। और हो सकता है दोस्ताना में मैंने बहुत ही बुरा काम किया हो, या मेरे अभिनय से लोगों को या जूरी मेंबर्स जो हैं या जो आयोजक हैं उनको प्रसन्नता ना मिली हो, तो शायद उन्होंने वो अवार्ड मुझे नहीं दिया, या हमारे टीम से जुड़े लोगों को लगा होगा कि नहीं, अवधेश मिश्रा ने नहीं अच्छा काम किया है तो उसे अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरी चर्चा ना की होगी। तो वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद जब ये फोटो दिखा गया तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा मजाक है ये, और ये मजाक एक कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अपने जो भी उस अवार्ड समारोह के आयोजक थे उनसे कि आपसे गलती से ये निर्णय हो गया है, आपने वो फोटोग्राफ्स मेरे तक भिजवा दिए हैं, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, और क्षमा चाहता हूँ अपने फिल्म से उन जुड़े तमाम निर्देशक निर्माता सब से कि मैं नहीं उस फिल्म में उतनी क्षमता दिखा पाया। दोस्ताना में जो मुझे कैरेक्टर दिया गया था उसमें अभिनय की वो बारीकियाँ नहीं मैं दिखा पाया, तो शायद मुझे नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप तमाम जनों तक पहुंचाने के लिए। मेरा मकसद कोई विवाद नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जैसा लोग कहते हैं कि एक परिवार है, मैं नहीं मानता हूँ, परिवार नहीं है। परिवार की मर्यादा बहुत होती है, और ये अमर्यादित लोगों के बीच में हम झूठ मूठ के बोले कि हम परिवार के सदस्य, ना अपना परिवार तो संभाले नहीं संभलता लोगों से, इतना बड़ा परिवार कैसे संभालेंगे। हाँ है, मिलते हैं, हाय हेलो होता है, एक बातूनी रिश्ते होते हैं हमारे, तो उन सारे रिश्तों को सलाम। और बस हम अभिनय करें, और अभिनय के लिए इस धरती पे आए हैं, प्रभु ने हमें भेजा है, और हमारे पास वो प्रभुता भी नहीं है शायद जो हम कोई डिसीजन ले पाए या हम कोई स्टेटमेंट दे पाए। तो न मेरा कोई स्टेटमेंट देने का इरादा है, ना कोई डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं प्रभुत्व प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे से ना हो किसी भी अवार्ड समारोह में, चाहे वो कोई भी हो, ये त्रुटियाँ ना हो। जो जेनुइन नहीं है उसे नहीं देना चाहिए, तो मुझे देख करके उन्होंने और ज़्यादा अपमान किया है ये फोटोग्राफ्स भेज के। क्षमा चाहता हूँ सबसे, पुनः ऑल द बेस्ट, लव यू।